हेलो दोस्तों। हाँ तो आज हम आ चुके हैं अपने चैनल ए टू जेड गॉसिप्स में एकदम नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है तमिल की न्यू अपकमिंग मूवी के ऊपर, जिसका ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में हम काफी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। और साथ ही अगर हम मूवी की बात करें तो वह मूवी शकुंतलम होने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल की हर नई अपडेट आप तक इसी तरह पहुंचती रहेगी। इसी तरह अगर बिना कोई देर किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए चले तो शकुंतलम मूवी में लीड रोल में हमें सामंता रुथ प्रभु लीड रोल में देखने को मिली है, जो कि देवी शकुंतला का रोल निभा रही हैं। जिसके साथ अगर ट्रेलर की बात की जाए तो बहुत कम ही तमिल में ऐसा होता है कि ट्रेलर तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ सब में एक साथ रिलीज हो, लेकिन इस मूवी में यह पहली बार हुआ है कि इन सभी भाषाओं के साथ डबिंग करके एक साथ सभी ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, जो कि भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब तमिल ट्रेलर आते हैं फिर लोग इंतजार करने लगते हैं हिंदी ट्रेलर का, तो वो इंतजार काफ़ी बोरियत महसूस करवाने लगता है। जिसके साथ इनका यह फैसला भाई मुझे तो बहुत पसंद आया। जिसके साथ अगर ट्रेलर की ओर बढ़ते हुए चले तो ट्रेलर में हिंदू इतिहास महाभारत का एक टुकड़ा देखने को मिला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और यह एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। जिसके साथ भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यह मूवी से आदि पुरुष मूवी के मेकर्स को कुछ सीखना चाहिए, जो कि आदि पुरुष के बजट से काफी कम बजट में बन के भी तैयार हो रही है। हालांकि इस मूवी के भी VFX उतने शानदार नहीं है, लेकिन आदि पुरुष से तो भाई कहीं बेहतर ही है। जिसके साथ अगर मूवी स्टोरी की बात की जाए तो यह मूवी देवी शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित होने वाली है, जो कि एक महाभारत कथा का एक टुकड़ा भी है। और साथ ही इस मूवी की अगर रिलीज की बात की जाए तो यह मूवी 17 जनवरी को हमारे नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, जिसको देखने के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल की हर नई अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी।